अगर आप ऐसा लाजवाब मज़ेदार यम्मी आलू का पकौड़ा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुभम मिस आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभम मिस के किचन में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से लाजवाब मज़ेदार यम्मी रेस्टोरेंट जैसा आलू का पकौड़ा। सबसे पहले मैं आलू को दो तीन पानी से अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसके छिलके को उतार लेती हूँ। चारों तरफ छिलके को निकाल। अब मैं सारे आलू का छिलके उतार दिए और इसे वॉश कर दी हूँ। अब मैं आलू का चिप्स काटने वाला से इसे चॉप करूँगी। इसे इस तरह से पकड़ के करना है। इसी तरह से घिस घिस करके सभी को काटना है। आप देख सकते हैं इस तरह का निकलता है। अब मैं सभी आलू को कट कर ली हूँ। अब मैं सबसे पहले बाउल लूँगी और उसमें 2 कप बेसन ऐड करूँगी, 2 स्पून चावल का आटा ऐड करूँगी। अब बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब हींग ऐड कर रही हूँ। हींग पेट के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये खाना को पचने में जल्दी खाना को पचा देता है। अब रेड चिल्ली 1/2 स्पून ऐड करूँगी। आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा, ज़्यादा या कम दीजिएगा। अब मैं हल्दी पाउडर 1/2 स्पून से 1/2 स्पून ऐड कर रही हूँ। अब मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। 1/2 स्पून से 1/2 स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। अब मैं नमक 1/2 स्पून 1/2 स्पून से ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम दीजिएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी। अब मैं इसे मिक्स कर ली हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। अगर थोड़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा और पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लें। इसे ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला रखना है, इसे मीडियम में रखना। अब मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं स्टेपनी को इस तरह से लूँगी और मैं एक बार में मैं 4 दे रही हूँ और मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अब मैं इसे पलट दूँगी, एक एक करके सभी को पलट दूँगी। इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं, नहीं तो जल सकता है। इसे ब्राउन कलर आने तक छोड़ेंगे। कढ़ाई में ऐड करूंगी। अब मैं इसे चनोटा से निकाल लूँगी। अब मैं इसे चनोटा में थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि इसका ऑयल निकल जाए। देख सकते हैं कितना अच्छा फूला फूला हमारा पकौड़ा बना है, क्रंची बना हो गया है। अब आप इसे सर्व करें। इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।